हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए कर रहा हूँ साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम्स रेलवे ELP टेक्नीशियन ग्रुप डी SSC UP पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है सबसे छोटी जीवित कोशिका का आंसर है माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोथेरेपी संबंधित आंसर है कैंसर के इलाज से। ठीक, कीमोथेरेपी जो है कैंसर के इलाज से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट रोग होता है आंसर है फंगस से। ठीक, एथलीट फुट रोग जो है फंगस के द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी लेते हैं आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो है खिलाड़ी जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है आंसर है एस्टिक अम्ल का। ठीक, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए जो है एस्टिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के लीवर में पाया जाता है आंसर है विटामिन ए। ठीक, मछली के लीवर में जो है विटामिन ए पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे आंसर है रॉबर्ट हुक। ठीक, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे आंसर है रॉबर्ट हुक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में युक्त प्रोटीन होता है आंसर है कैसिन। ठीक, दूध में युक्त प्रोटीन जो है कैसिन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग होता है आंसर है इंसुलिन की कमी से। ठीक, मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में गंध होता है आंसर है अमोनिया के कारण। ठीक, मूत्र में गंध जो है अमोनिया के कारण से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में उपस्थित एंजाइम है आंसर है टाइलिन। ठीक, लार में उपस्थित एंजाइम जो है आंसर है टाइलिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन सर्वाधिक पाया जाता है आंसर है पालक के पत्तों में। ठीक, आयरन यानी लोहा जो है सर्वाधिक पाया जाता है आंसर है पालक के पत्तों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माता रोग होता है आंसर है जल में मरकरी के प्रदूषण से। ठीक, मीना माता रोग जो है जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप रोग का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक आंसर है फफूंदी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पादप रोग का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक आंसर है फफूंदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड संबंधित आंसर है दुग्ध विकास से। ठीक, ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध विकास से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के जन्मदाता आंसर है नॉर्मन ई बोरलॉग। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है हरित क्रांति के जन्मदाता हैं आंसर है नॉर्मन ई बोरलॉग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज बना होता है आंसर है ग्लूकोज का। ठीक, सेलुलोज जो है ग्लूकोज का बना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूड़ों से खून आता है आंसर है विटामिन सी की कमी के कारण से। ठीक, मसूड़ों से खून जो है विटामिन सी की कमी के कारण से जो है आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है कॉक से। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है कॉक से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम एक विशेष प्रकार होता है आंसर है प्रोटीन का। ठीक, एंजाइम जो है एक विशेष प्रकार होता है आंसर है प्रोटीन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस आंसर है CO2। ठीक, पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस जो है आंसर है CO2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है आंसर है निर्जीव। ठीक, कोशिका भित्ति जो है निर्जीव होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है आंसर है सिर्फ पादप कोशिका में। ठीक, क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ पादप कोशिका में जो है पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन होता है आंसर है केवल जनन कोशिका में। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन जो है केवल जनन कोशिका में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं आंसर है समुद्र में। ठीक, लाल व भूरे शैवाल जो है समुद्र में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर बनाने में काम आता है आंसर है स्पर्जिलस जो कि एक प्रकार का कवक है। ठीक, पनीर बनाने में जो है स्पर्जिलस कवक का जो है प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में दाद रोग होता है आंसर है कवक के द्वारा। ठीक, मनुष्य में दाद रोग जो है कवक के द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है आंसर है 9 कैलोरी। ठीक, 1 ग्राम वसा से जो है ऊर्जा 9 कैलोरी प्राप्त होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है आंसर है प्रोटीन। ठीक, एंटीबॉडीज के निर्माण में जो है सहायक होता है आंसर है प्रोटीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को संतुलित करता है आंसर है कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम जो है नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को जो है संतुलित करता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस निकलता है आंसर है यकृत यानी लीवर से। ठीक, पित्त रस जो है यकृत यानी लीवर से जो है निकलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को जो है धमनी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को जो है धमनी कहा जाता है। और रक्त को शरीर से विभिन्न अंगों तक वापस हृदय की ओर लाने वाली रक्त नलिकाओं को जो है सीरा कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, आंसर है जंतु कोशिका में। ठीक, कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में जो है अनुपस्थित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े से शुद्ध रक्त हृदय के बायां लिंग में आता है, आंसर है फसफूसीय सिराओं के द्वारा। ठीक, फेफड़े से शुद्ध रक्त जो है हृदय के बायां लिंग में आता है, आंसर है फसफूसीय सिराओं के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों तथा सिराओं में पाया जाता है, आंसर है क्रमशः अशुद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त। यानी कहने का मतलब है धमनियों में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है और सिराओं में जो है अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जड़ फल व बीज का निर्माण होता है, आंसर है ऑक्सिन पादप हार्मोन के द्वारा। ठीक, ऑक्सिन पादप हार्मोन के द्वारा जो है पौधों में जो है जड़ फल व बीज का जो है निर्माण होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित फल का निर्माण तथा तने और पत्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण, आंसर है जिब्रेलिन का। ठीक, बीज रहित फल का निर्माण तथा तने और पत्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण है, आंसर है जिब्रेलिन का। और लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि प्रमुख कार्य, आंसर है साइटोकाइनिन हार्मोन का। ठीक, साइटोकाइनिन हार्मोन का जो है पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि में जो है प्रमुख कार्य है। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।